नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस क्विज गेम रियलिटी शो में से अब तक कई लोग करोड़पति बन चुके हैं। वहीं दिलचस्प बात यह है कि शो के दौरान बिग बी अपनी लाइफ से जुड़े तमाम खुलासे करते रहते हैं, लेकिन एक्टर अब मुसीबत में पड़ गए हैं। एक्टर के खिलाफ गलत जानकारी देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत भी एक वाक्या के आधार पर की गई है, जिसमें एक्टर ये कह रहे हैं कि ये सामान दुकान में नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ये वाक्या के आधार पर एक्टर और कंपनी फ्लिपकार्ट दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। ऑफलाइन दुकानदार का कहना है कि एक्टर की वजह से उपभोक्ता भ्रमित होंगे और इससे उनकी दुकानदारी पर भी असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये बात तो सभी जानते हैं कि फ्लिपकार्ट का द बिग बिलियंस डील ऑफर जल्दी शुरू होने वाला है, जिसमें तकरीबन हफ्ते भर तक 50-70% डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ये सेल हर साल लगती है। फ्लिपकार्ट के अलावा मीशो और अमेजोन जैसी कंपनीज भी ऑनलाइन सेल शुरू करने वाली है। फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन सेल के लिए अमिताभ के साथ एक शूट किया, जिसमें एक्टर ये कहते दिख रहे हैं कि ये चीज़ें आपको ऑफलाइन स्टोर्स में नहीं मिलेंगी। इसी एक लाइन को लेकर बवाल हो गया। ऑफलाइन उपभोक्ताओं का कहना है कि हर चीज़ ऑफलाइन उपलब्ध है। ऐसे में फेस्टिवल सीजन पर एक्टर अपने ऐड के जरिए उपभोक्ताओं तक गलत जानकारी दे रहे हैं। व्यापारियों के संगठन CAIT ने भ्रामक विज्ञापन के कारण उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय में शिकायत दर्ज की है और ऐड को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन ने 10 लाख रुपए की मांग बतौर जुर्माना कह रहे हैं। मामले में कंपनी और एक्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अमिताभ बच्चन के अगर वर्क फ्रंट की बात की जाए तो टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन स्टार फिल्म गणपत में दिखने वाले हैं। फिल्म इसी साल फ्लोर में आएगी। इसके अलावा एक्टर प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म कल की 2898 AD में भी दिखने वाले हैं। फिल्म अगले साल जनवरी में सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।